स्टेयरिंग छोड़ते ही बिल्कुल रिट्रैक्ट हो रहा है। ये सबसे बढ़िया अपग्रेड इस गाड़ी में आया हुआ है। दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर एस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू एज मारुति सुजुकी बलिनो। और आज की वीडियो में हम नई बलिनो को डिटेल में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे मारुति ने इसके नए चैसी को कैसा ट्यूनअप किया है, कैसे नए सस्पेंशन दिए हैं, कैसी नई ब्रेकिंग है, नया इंजन में कितनी पावर है। और आज जैसे हम सब गोवा में आए हैं इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए, जानेंगे इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, इसकी पावर कैसी है, कैसी इसकी हाईवे में आपको पिकअप मिलती है, ब्रेकिंग भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जानेंगे जो बलिनो है वो एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है जो अपने सेगमेंट को लीड करती है, कंपटीशन से ज़्यादा बिकती है और कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन अब ये नई बलिनो है तो इसमें जो लुक्स है उसको बिल्कुल नए लुक के साथ लाया गया है, वही जो एक बोल्ड और जो इसका पहले मस्कुलर करेक्टर था उसको और ज़्यादा रीडिफाइन किया गया है। यहाँ फ्रंट में देखेंगे तो कुछ इसकी जो ये नेक्स्ट जनरेशन ग्रिल्स है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मैंने इसकी काफ़ी सारी वॉक अराउंड वीडियोज़ बनाई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जो इसके हाई इंटेंसिटी LED प्रोजेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है। नीचे आपको इसमें LED फॉग लैंप्स ऑफर किए गए हैं और फ्रंट का लुक काफ़ी बोल्ड और काफ़ी मस्कुलर है। अब जैसे मारुति का कहना है कि जो इसके फ्रंट का एरोडायनेमिक प्रोफाइल है उसको इन्होंने ज़्यादा, मैं कहूँ कि एक तरीके से रीडिज़ाइन किया है, क्योंकि बॉडी का एक फेसलिफ्ट इसमें आया हुआ है, उससे इस गाड़ी का जो कोफिशेंट ऑफ ड्रैग है वो कम हुआ है और इसका जो माइलेज है वो इन सारे फैक्टर को मिलाते हुए पहली वाली बलिनो के मुकाबले 6% ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट बनता है। अब बात करेंगे गाड़ी के पूरे कंपोज़र या प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये जो गाड़ी है ये अभी 5th जनरेशन हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है जो कि सुजुकी का अपना प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म पहले वाले प्लेटफॉर्म से एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म आया है। इसमें अभी मारुति ने 43% हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया है और 16% अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है। अब इसकी कैसी क्रेस्टस रेटिंग रहेगी वो हम आपसे आगे कहेंगे, लेकिन अभी मारुति का उनका यही कहना है कि हमने इसमें बहुत बढ़िया काम करा है जिस हिसाब से इंडिया में एक स्पेसिफिक गाड़ी होनी चाहिए। पीछे जो सारे टेल लैंप्स मिलते हैं ये फुल LED आपको ऑफर किए गए जो कि काफ़ी अलग लगेंगे आपको। और उसी के साथ अगर आप जानेंगे इसके सस्पेंशन में, तो मारुति का कहना है कि उन्होंने जो आगे के सस्पेंशन है इसका 10 mm का ट्रैवल बढ़ाया हुआ है, यानी कि अगर आप इसको ज़्यादा बड़े गड्ढे में भी ले जाएंगे पहली वाली बलिनो के मुकाबले तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी। और पीछे का जो इसका सस्पेंशन ट्रैवल है ये 20 mm बढ़ाया गया है। ब्रेक्स की भी बात करेंगे तो आगे जो इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है ये पहले जो बलिनो आती थी उसमें आपको 13 inches की मिलती थी, अब ये 14 inches की हो चुकी है। और पीछे जो आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है वो पहले आपको 180 mm का आता था, अब 200 mm का हो गया है। तो ये कुछ अपडेट रहे। इंजन की बात करेंगे तो इंजन इस गाड़ी का सबसे बड़ा USP है। जिस हिसाब से हम इसको आज दिन भर गोवा में चला रहे हैं तो परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। गोवा की जो रोड है काफ़ी खुली खुली रोड है, अगर आप गोवा से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि बढ़िया ड्राइव एक्सपीरियंस देगी ये गाड़ी। और यहाँ इसका पूरा लेआउट देखिए, तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि इसमें आपको जो इंजन ऑप्शन है ये है इसका 1.2 liter का डुअल VVT के सीरीज़ पेट्रोल इंजन, जो कि मैं कहूँ कि सेगमेंट में बहुत ही अच्छी पावर 90 horsepower बना के आपको दे रहा है। टॉर्क अभी भी जो पहली बलिनो आती थी 130 Nm का वही टॉर्क बरकरार है, लेकिन इसकी जो पावर है ना 90 horsepower ये बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में आपको मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एक्सलेटर देने की ज़रूरत है। जब से आप इसको एक्सलेटर देना स्टार्ट करेंगे तब से अपने 4.5 से 5,000 RPM तक ये पूरी पावर आपको फील करवाता है। इंजन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता है जिस हिसाब से मारुति के इंजन हैं। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो इसमें आपको एक 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-speed का एक नया AMT ट्रांसमिशन ऑफर कर रहे हैं। जैसे पहले CVT का ऑप्शन आता था, CVT मारुति ने हटा दिया है क्योंकि वो कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसीलिए अब जिस हिसाब से ऑटोमेटिक की मार्केट बढ़ी है तो जो ये AMT ट्रांसमिशन है ये मारुति के लिए ज़्यादा ईजी हो गया है कस्टमर्स को कम बजट में दे पाना, और मेंटेनेंस भी कम है CVT के मुकाबले। और नीचे नज़र मारिए तो पूरा बॉडी कवर्ड है, जो कि आपकी सारी जो फैन बेल्ट है और जो इंजन के सारे कंपोनेंट्स है उसको जो पत्थर है या फिर कुछ भी डेबरी नीचे से आ सकता है तो वो एक प्लास्टिक शील्ड है जिससे उसका पूरा प्रोटेक्शन किया गया है। एक आप यहाँ देखेंगे आपको एक हीट शील्ड दी गई है जिससे जो ये हॉट मेंबर्स है जो इसका हॉट कैटलिक कन्वर्टर है उससे आपका रेडिएटर फैन और ये सारी चीज़ें डैमेज ना हो। और मारुति का कहना है कि जो पहले की बलिनो है उसके मुकाबले ये जो डोर्स है इनको
25% ज़्यादा हैवी किया गया है। अब हैवी करके जो इसमें शीट मेटल है उसके गेज को इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ भी बड़ी होगी और जो इसका वेट है वो भी बढ़ चुका है। बाकी ये सारा कुछ है ऊपर, आपको शार्कफिन एंटीना टॉप एंड मॉडल्स में भी नहीं रहता है। यही इनका डिज़ाइन फिलोसफी है, जो कि मारुति का कहना है कि बढ़िया काम करेगा इसके लिए। बूट स्पेस की बात करिए आइए तो 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि फैमिली के हिसाब से 5 लोगों का आराम से सामान इसमें संभालेगा। यहाँ पर हमारे अभी 3 बैग्स इसमें रखे हुए हैं, जो इतना कुछ बूट स्पेस ही आपको बना के देता है। तो आइए, जैसे हमने आज बात करी है कि इस गाड़ी को हम चला के देखने वाले हैं, इसकी ब्रेकिंग हम जानेंगे और कैसे इसकी कॉर्नरिंग है। तो आ गए हैं न्यू एज बलिनो के अंदर और आए हैं गोवा बलिनो को एक्सपीरियंस करने। तो उसको चला के देखते हैं, इसकी एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, कैसे इसका स्टेयरिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपडेट करा है मारुति ने। और जो इसका सबसे ज़्यादा वेलकमिंग फंक्शन है वो है इसकी ये, जो आपको यहाँ पर एक हेडअप डिस्प्ले मिलती है, जो कि इससे पहले आपको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में मिलता है। आपको बारीकी से दिखाऊँ ना अगर मैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फॉन्ट ये आपको देता है और जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको उसमें देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ जो इसका नया स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम जो आपको यहाँ मिलता है, ऐसा कुछ है, पूरा ब्लैक लेआउट है, बहुत ही स्पोर्टी लगता है, लेकिन अभी काम है चलाने का। तो ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हम आज ड्राइव कर रहे हैं अभी, इसके बाद इसके मैनुअल की बात की जाएगी। तो इसमें कुछ यहाँ पर लेदरेट है, कुछ ये इसका आपको क्रोम के सारे बेजल्स दिए गए मैट फिनिश में। और अगर आप देखिए, ये तो इसका न्यूट्रल है और इस साइड करके ऐसे करेंगे तो ये इसका रिवर्स इंगेज हो गया है, फिर छोड़ेंगे तो ये न्यूट्रल में आ जाती है, और सीधे कर देंगे तो ये ड्राइव मोड है, लेफ्ट करेंगे तो मैन्युअली आप इसको टिप्ट्रॉनिक तरीके से ये इसके गियर डाउन होंगे, और ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। अब ये है कि अगर आप हायर गियर में चलाएंगे और आप रुक गए तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डाउन शिफ्ट कर देगी, टेंशन की बात नहीं। ये इसका पार्किंग ब्रेक, कंफर्टेबल है गाड़ी बैठने में। स्टीयरिंग की भी बात करते हैं ना, तो स्टीयरिंग आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शंस देता है। तो फैमिली में अगर बहुत लोग चलाते हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अभी डी मोड में रखते हैं स्टीयरिंग। अगर आप देखिए, ब्रेक को छोड़ता हूँ, अभी तो डाउन हिल है, फिर भी गाड़ी बहुत ही इजीली चल रही है कंफर्टेबली। साउंड सुनिए कितनी साउंड है, एक्सेलरेट करते हैं इसको। यहाँ पर इसने दूसरा गियर इंगेज करा, अब इसका थर्ड गियर इंगेज हुआ है 45 की स्पीड में, अभी फोर्थ गियर है 53 की, अभी फिफ्थ गियर लग गया है 50 की स्पीड में। तो जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ना कि इसकी चैसी को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करा है, तो गाड़ी के अंदर बैठते ही जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो है इसके सस्पेंशन की सारी क्वालिटी में। गाड़ी में देखिए बॉडी रोल बहुत ही ना के बराबर है, थोड़ा ख़राब रास्ता आपने देखा, तो जो साउंड है कैबिन के अंदर वो कुछ आप इतनी फील करेंगे। अब ऑटोमेटिक गाड़ियों में यही फ़ायदा होता है, कोई गियर का झंझट नहीं, सीधे स्टीयरिंग मोड़िए और कंट्रोलिंग, स्टीयरिंग छोड़ते ही बिल्कुल रिट्रैक्ट हो रहा है, ये सबसे बढ़िया अपग्रेड इस गाड़ी में आया हुआ है। मैं दोबारा आपको एक बार दिखाता हूँ, बिल्कुल रिट्रैक्ट हो रहा है और पूरी प्रिसीजन के साथ हो रहा है। सुबह से लगभग मैं इसको 50 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ, और देखिए मैं यहीं पर इसको रिट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रिट्रैक्ट हो रहा है, अल्टीमेट। ये है इसका सबसे बड़ा अपडेट। कल जब हमने सीवी रमन जी से बात की थी, जो कि मारुति के हेड है, उन्होंने हमें बताया कि आप जब इसके स्टीयरिंग को खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। दिखाई देते हैं दूसरी बार, ये देखिए बहुत बढ़िया शानदार। अब बात करते हैं ड्राइव की, तो आइए थर्ड गियर में थे हम, फुल एक्सेलरेट करके आपको दिखाते हैं। अभी हमने फुल एक्सेलरेट करा है, रोड हमारे सामने खाली है, ये देखिए इंजन इसका 90 हॉर्स पावर बनाता है, जो कि पहले से 6% ज़्यादा है। ये इसका डुअल जेट इंजन है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। गाड़ी की कंट्रोलिंग देखिए, 107 की स्पीड में हम जा चुके हैं, और एक्सेलेटर मैंने इसमें 75% का दिया हुआ था। एक बार इसकी ब्रेक टेस्ट करते हैं आराम से, देखिए अभी हमारी स्पीड 100 आ चुकी है, वो भी डाउन हिल है, मैं रोक रहा हूँ 110-120। ये कुछ आपको पूरी साउंड आएगी, हम बिल्कुल स्टॉप तक आ गए थे, एबीएस ने बहुत बढ़िया काम करा है। पीछे मुझे इसमें टायर मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, जो कि टायर भी अभी नए हैं, 195 सेक्शन का टायर मिलता है आपको, और ब्रेकिंग भी बढ़िया की गई है। पहले आपको इसमें 13 इंच की डिस्क मिलती थी आगे, अब आपको 14 इंच की डिस्क दी गई है, जो कि 1 इंच का अपग्रेड है, तो ज़्यादा ब्रेकिंग बाइट ये बना पा रही है और बेहतर तरीके से रुक रही है। कंट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त, मैं इसको 60 में ले जाता हूँ और यहाँ पर ब्रेक करता हूँ,
ये 60 में आ चुकी है, पीछे ट्रैफिक क्लियर है, 70 पे है, गाड़ी जीरो स्टॉप पे आती है और ये कुछ टाइम लेती है और कंट्रोल्ड वे में है, दाएं बाएं नहीं जाती है, 4 चैनल का ABS दिया गया है तो चारों पहिए में बराबर ब्रेकिंग मिलेगी और बेहतर कंट्रोल होगी गाड़ी। अब सीधे चलते हैं शहरों की ओर। गाड़ी बैठने में बहुत कंफर्टेबल लगेगी, जो सीट्स है ना सॉफ्ट साइड में दी गई है ये देखिए, और एक आपको वो कारपेट इफेक्ट आने वाला है जो सीट्स है उसके वजह से। स्टेयरिंग आपको ऐसा है कि थोड़ा मैं कहूँ कि काफ़ी लोगों को ऐसा होगा बहुत ही लाइट स्टेयरिंग की आदत होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। ये देखिए बॉडी रोल कितना है गाड़ी में, बहुत कंट्रोल्ड है, जहाँ मैं स्टेयरिंग दे रहा हूँ गाड़ी वहीं जा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इतना मूव कर रहे हैं और गाड़ी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए इतना मैं मूव कर रहा हूँ और गाड़ी मुझे इफेक्ट दिखा रही है कि मेरा क्या इनपुट है स्टेयरिंग की ओर, तो ऐसा है। अब बात करते हैं कि इसके इंटीरियर में कैसी आपको कोई रैटलिंग साउंड या कोई तड़कने भड़कने, ऐसे काफ़ी गाड़ियों में नई नई में आ जाती है तो कोई साउंड आप नोटिस करेंगे, तो पहले तो इंजन की आपको एक अंदर साउंड सुनाई देगी जो कि अब जब आप इसको हार्डली एक्सेलरेट करेंगे तब ही आपको सुनाता है। और आगे ख़राब रास्ता देखिए, मैं इसको इसमें से ले जाता हूँ, तो ये जो आपने सुनी, जो इसके सस्पेंशन को थोड़ा हार्ड किया गया उसका थर्ड है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, प्लस पॉइंट है। जब गाड़ी पांचों लोग से भरी रहेगी तो गाड़ी ऐसे चलेगी। अभी इंजन देखिए, मैं फुल एक्सेलरेट करता हूँ, 80 क्रॉस करते ही आपको एक स्पीड वार्निंग देगी और ये 100 क्रॉस हो गए, इतनी साउंड आती है। ये सारी गोवा के रोड्स है ना, बहुत ही अलग प्रोफाइल में आती है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा आपको बिल्कुल घाटियाँ बनते हुए मिलेगी, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं। कॉर्नरिंग गाड़ी की ज़बरदस्त है, दिल खुश हो जाएगा आपकी। अब इससे पहले जो बलिनो थी उसमें थोड़ा बहुत आपको बॉडी रोल आता था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। और पहली वाली में जो स्टेयरिंग में दिक्कतें आपको फेस आती थी उस पर भी मारुति ने बहुत सीरियसली काम किया है, वो भी मानना पड़ेगा। अब हम इसको मेन हाईवे में ले जाते हैं, अभी हमारे साथ इसका ऑटोमेटिक है, इसको ऐसा करेंगे कि मैनुअल में भी शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से हम जो हमारा एक मैं कहूँ कि कैसी कंट्रोलिंग है वो दे पाते हैं। ये देखिए स्टेयरिंग हर बार बहुत बढ़िया तरीके से रिट्रैक्ट हो रहा है। ये देखिए मैंने इसका फुल एक्सेलरेटर दिया हुआ है, ये ऐसे गियर शिफ्टिंग कर रहा है और 4,000-4,500 के ऊपर तो ये गियर शिफ्ट कर ही ले रहा है और नॉर्मल चलाने में 1800 से लेके 2000 RPM के बीच में कर रहा है, जो कि मैं मानता हूँ कि माइलेज वाली बैंड है और जो 4,500 वाला है वो परफॉर्मेंस वाली है और मिड रेंज में 3,500 की रेंज में अपशिफ्ट कर रहा है। और अगर आप चाहे जैसे इसे मैनुअल में चलाना, अभी ये फिफ्थ में है, मैं इसको डाउन शिफ्ट करके ये सेकंड गियर में अभी नहीं जाएगी, अभी ये थर्ड में ही है और 85 की स्पीड में है। पुश करते हैं इसको थोड़ा, गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं तो कैसा आपको कंट्रोल आएगा। ये देखिए थर्ड गियर में है हम, चाहे तो आप यहाँ से फोर्थ लगा लीजिए, इतना कुछ टाइम लेती है शिफ्ट होने में, ये लिया इसने टाइम फिफ्थ गियर में आने में, बहुत स्मूथ है, कोई जर्क नहीं है, झटका नहीं मिलेगा, स्मूथली चलती है गाड़ी। क्रॉसिंग एक और आ चुकी है, और आप इस गाड़ी को शहरों और हाईवे में बराबर आसानी से चला सकते हैं क्योंकि गाड़ी का जो साइज़ है बहुत बढ़िया तरीके से आपको कॉर्नर्स विजिबल है। आगे बोनट की बात करें तो क्योंकि ये हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है तो उतना बोनट विजिबल नहीं है, लेकिन आपको आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे जो RVM का व्यू है वो सफिशेंट है और पीछे जो ये IRVM है, ये क्योंकि टॉप मॉडल है तो ऑटोमेटिक IRVM है, बट पीछे का जो ग्लास एरिया बड़ा होता है उस कारण पूरा व्यू आपको दिखा जाता है। अब जैसे जो बलिनो है वो बेस मॉडल आपको 6.35 लाख रुपीज़ में ऑफर किया गया है, जिसमें आपको 2 एयरबैग ABS और EBD है। कल जब मैंने मारुति की टीम से बात करी तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जो इनका 5th जनरेशन की हार्डटेक प्लेटफॉर्म है उसमें इन्होंने सेफ्टी में इंप्रूवमेंट किया हुआ है, जो एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील है उसका यूज़ किया है, जिससे ये गाड़ी अब आपको ज़्यादा मैं कहूँ कि ज़्यादा सेफ फील होगी और जो इसकी पूरा वेट है बॉडी का वो ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल का यूज़ किया गया है, एक प्लस पॉइंट तो ये है। और अगर आप आ जाते हैं इसका जीटा वेरिएंट में, जो कि 8,09,000 रुपये में है, जहाँ अभी भी काफ़ी जो SUV सेगमेंट है जस्ट स्टार्ट ही होता है, वहाँ पर ही आपको अपना सेकंड टॉप मॉडल ऑफर कर रहे हैं जिसमें 6 एयरबैग मिल रहे हैं और बेसिकली सारे फीचर्स ऑफर किए गए, तो वहाँ पर भी प्लस पॉइंट आ जाता है। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं जो कि ये अल्फ़ा वेरिएंट है, मैनुअल में अगर आप आ जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक, जो कि मैनुअल 10.5 लाख रुपये का है ऑन रोड, और अगर आप आते हैं एक्स शोरूम की बात तो वो 9 लाख रुपये का है, तो वहाँ पर भी आपको 9 लाख रुपए में बहुत वैल्यू दे रहे हैं, हेड अप डिस्प्ले है और ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी इसका एक प्लस पॉइंट आता है। तो दोस्तों सामने आपके थोड़ा अपहिल आ रहा होगा, पहाड़ी थोड़ी चढ़ रही है ऊपर को, तो वहाँ पर देखिए ये डी मोड में, अब इसने सेकंड गियर से थर्ड गियर में शिफ्ट कर दिया, 55 की स्पीड है
और कुछ इतनी साउंड आपको कैबिन में आएगी। इंजन इसका पूरा रिफाइंड है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब ये ऑटोमेटिक है तो आपको कोई वैसे क्लच की भी इशू नहीं है कि क्लच आपको बार बार दबाना है। जब हम इसकी मैनुअल की बात करेंगे तब बात करेंगे कि कैसा इसका आपको मैनुअल में क्लच का फील आता है और कितना आसानी से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4+2 का सिस्टम मिलता है जो कि आकमेस ने ट्यून किया है मारुति के लिए। तो आगे थोड़ी रास्ते साफ है, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी टॉप स्पीड क्या आपको देखने को मिल सकती है। मैंने इसको अभी मैनुअल मोड में डाला हुआ है। 4,500-5,000 RPM पे आप अपशिफ्ट इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल वहाँ पे इसका एक रेड लिमिटर आ जाता है। फोर्थ गियर में 120, तो 120 में गाड़ी स्टेबल हो जा रही है। फिफ्थ गियर में मैंने फुल एक्सेलेटर दिया हुआ है और गाड़ी यहाँ पर ये स्टेबल है। आपको फोर्थ गियर करेंगे तो एक और पुश देखने को मिलेगा जो कि अगेन आपको थोड़ा और ऊपर तक लेके जाएगा। एक बार और आपको दिखाते हैं इसका थोड़ा पिक। यहाँ पे देखिए 50 की स्पीड में हम फर्स्ट गियर करेंगे तो ये खुद अपने आप अपशिफ्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये डाउनशिफ्ट आपके लिए कर देगा। ये इसका प्लस पॉइंट है, अपशिफ्ट नहीं करेगा। आप बिल्कुल टॉप स्पीड उस गियर की रीच हो जाएगी, फिर इंजन मैक्सिमम RPM में घूमेगा। लेकिन आप मान लीजिए पाँचवें गियर में है, आपने गाड़ी रोक दी, तो ये डाउनशिफ्ट आपके लिए कर देगा जो कि गाड़ी बंद हो जाएगी अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर वो डाउनशिफ्ट ना करे। इसीलिए उसको इंटरवेंशन बीच में करना होगा। तो एक और चीज़ देखिए, 84-85 की स्पीड आती है सेकंड गियर में मैक्सिमम। तो थर्ड गियर में देखिए हमने इसको 133 यहां पर टच करने की कोशिश की है। अपहिल वाला पार्ट आ गया है और स्टीयरिंग का बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको एक हाथ से भी कंट्रोल करेंगे ना, कोई प्ले नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ पर मैं फुल एक्सेलेटर दूंगा तो देखिए सेकंड गियर में इसने कंट्रोलिंग ली है। पीछे बूट में सामान रखा हुआ है इसलिए उसकी साउंड आपको आ रही है। जो इसका सस्पेंशन है वो रोड में तो आपको काफी अच्छी हैंडलिंग दे ही रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फील आपको आने वाली है, काफी एक मैं कहूंगा कनेक्टेड फील भी आएगी। स्टीयरिंग भी नया मिला है और यहाँ पर देखिए कैसा आपको गाड़ी का जो पूरा सस्पेंशन का आर्टिकुलेशन है वो भी फील हो रहा होगा। तो गाड़ी को आप ऐसे ख़राब रास्तों में भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है इसमें। अब जो इसके सस्पेंशन है उनको एक तरीके से जो आपकी शहरों में रोड है या फिर हाईवेज है उसके लिए ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्यूनअप किया गया है, लेकिन अगर आप ऐसी रोड में चलाएंगे बार बार तो हो सकता है कि आपका मेंटेनेंस काफ़ी लॉन्ग रन में ज़्यादा आ जाए। लेकिन कभी कभार अगर आपको ऐसी रोडों में चलना है तो कोई गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है, गाड़ी ईजिली चल रही है। गाड़ी में कोई भी साउंड नहीं है, कोई स्टेयरिंग कॉलम से साउंड या फिर कोई स्टेबलाइजर बार या फिर कोई स्टड या फिर कोई बुश, कोई साउंड नहीं कर रहा है। सिर्फ जो टायर का रोड के साथ कॉन्टैक्ट है वही साउंड आपको आ रही होगी, जो थम्पिंग साउंड आप फील कर रहे हैं। बाकी गाड़ी ने बढ़िया परफॉर्म करा है। तो ये सारा व्यू आपको देती है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ब्रोकन था जिसमें पूरा आपको आइडिया ज़रूर लग गया होगा। और बलिनो के जो नए सस्पेंशन सेटअप है बहुत बखूबी काम कर रहे हैं और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई चिंता वाली बात है। और जो आपको इंजन के नीचे से मैंने आपको दिखाया कि जो इसके इंजन बे में एक कवर ऑफर किया गया है उससे जो छोटे मोटे कंकड़ व्हील के जो एक मैं कहूँ कि उसके डायरेक्शन की वजह से उछल के आपके इंजन बेल्ट या फिर कहीं भी डैमेज नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात करी जो नई बलिनो की ड्राइविंग है वो कैसी है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी कंट्रोल हो रही है। गेयरबॉक्स में अभी हमने आपको ऑटोमेटिक दिखाया है, इसी के साथ इसके मैनुअल की भी बात की जाएगी। मैनुअल वही पुराना है जो आपको पहले देखने को मिलता था, जो मारुति की बाकी गाड़ियों में भी आता है बलिनो की लाइनअप में, लेकिन ये ऑटोमेटिक नया है इसीलिए इसकी बात हमने पहले की है। उसी के साथ आपको अगर इस गाड़ी में कंफर्ट चाहिए तो आप इसमें ज़रूर जाइए। सेफ्टी आपको जीटा वेरिएंट से 6 एयरबैग ये ऑफर कर ही रहे हैं और प्राइस फ्रंट में भी गाड़ी काफ़ी कंपेटिटिवली इन्हें रखी हुई है 6,35,000 में, मोस्टली सारे फीचर दे रहे हैं अपने बेस वेरिएंट में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाड़ी में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, बहुत सारी वीडियोज आएगी, कम्फर्ट वाइज बेस्ट है, सेफ्टी में भी मारुति ने अच्छा काम करा है, पहली 6 एयरबैग गाड़ी लाई है अपनी, इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हम गोवा से हैं, मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।